अगर हाथ मरोड़ने का इतना ही शौक है तो लड़की कलाई क्यों? मर्द से पंजा मिला? अबे चिकन, इस कॉलेज में मेरे होते हुए तू कब से मर्द बन गया बे? जब से तुझ जैसे बदमाश सबक पढ़ने के बजाय सबक पढ़ाने लगे हैं तब से, समझा? चल लड़की को छोड़। पता क्या कर लेगा? देखिए क्या कर लेगा तू? देखिए कर लेगा, बोल मैं तेरा हाथ काट दूंगा, समझा? अरे अच्छे अच्छे कुछ नहीं कर सके, तू क्या हाथ काटेगा? चल केरन। निकल। आया था अंगूठी पहनाने। इसमें पैर छूने वाली कोई बात नहीं है। ओह, आप किताब उठा रही हैं, मुझे लगा कि आप पैर छूनी, तो अब आप कहेंगी थैंक यू। नहीं, उसके बाद मैं कहूंगा इसमें फॉर्मेलिटी कोई बात नहीं है, उसके बाद आप मुझे कहेंगी अच्छा हुआ आप आ गए वरना मेरी क्या हालत हो जाती। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि जब भी कोई हीरोइन तकलीफ में होती है तो हीरो आके उसको बचा लेता है। अच्छा? उसके बाद आप कहेंगी कि चले फिर एक एक कप कॉफी हो जाए, और मैं आपको कहूंगा जी नहीं अभी नहीं फिर कभी, एम आई राइट? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। ओ हाय दीदी, तुम यहां हो? ओहो, मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रहा था। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रहा है। दीदी एक बात पूछो। हाँ पूछ। ये प्यार क्या होता है? अरे पगली, तू तो एक अंधे से पूछ रहा है कि फूलों का रंग क्या होता है। मैं तो इतना जानती हूँ शायद प्यार यही है जो तू मुझे दे रहा है। वाह दीदी वाह, सचमुच दीदी हो तो तेरे जैसी। अजय जल्दी चलिए, देर हो रही है। आ रहा हूं। आ रहा हूं। हाय मॉम, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के एनुअल फंक्शन में लेक्चर देने। लेक्चर देने? हाँ, अनाथ बच्चों को थोड़ी सी भी ममता मिल जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, अगर अनाथ बच्चों की इतनी खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है, लेक्चर यही दे दिया करो। इस घर में भी तो दो अनाथ बच्चे पल रहे हैं। बाप के सामने सिगरेट पीते तुझे शर्म नहीं आती? बड़े बूढ़े का कुछ ख्याल करना आता है नहीं? टेक इट इजी डैड, इट्स 20th सेंचुरी। सूरज चिल्लाइए मत डैड, मैं अपनी कमियों को छुपा नहीं रहा हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी कल ही तो लिए थे। खत्म हो गए। कहां? कोई हिसाब किताब तो होता पैसों का? भूल गए डैड, अमीर बाप के बिगड़े बेटे डायरी अकाउंट्स की नहीं अपॉइंटमेंट की रखते हैं। ओहो, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हो, दे दो ना। कौन से 5-25 बेटे हैं हमारे, एक ही तो बेटा है। ममता, कश्ती के लिए पानी जरूरी है लेकिन पानी कश्ती के नीचे रहना चाहिए, कश्ती के अंदर नहीं। पैसे तुम देते हो या मैं दे दूं? हाँ दे रहा हूं। ओ डैड, अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं। थैंक्स। अब चलो भी, देर हो रही है। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना।
सूरज मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं मुझे होता है दीदी, जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक, हाँ सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो तुम, बेटी। हाँ बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। सूरज कब सुधरेगा ये? अरे वाह। हाय दीदी तुम यही हो, चलो चलो जल्दी करो, कम ऑन राखी बांधो। जल्दी क्यों, क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं 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 किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है यू नो। अच्छा वैसे ये कौन है? कौन ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे नहीं मालूम। ओहो तुम इसे नहीं जानते? हाँ ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए, लाओ इसे बाहर फेंक देती मैं। ओ दीदी अपने तो ना फेंकने की क्या जरूरत है, किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांधो ना। अच्छा ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जाती है या मार। सूरज मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ, और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज बस माँ तुम जाओ अब। ठीक है जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूं, और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है, भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है। <आज तुम्हें। laughs>
भैया को मालूम से सब तेरी वजह से हुआ है। हट जा मेरे सामने से। माँ मुझे भी साथ ले चलो। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। जन्म जली बच शुगनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ा बहन का प्यार जताने चली थी, देखा मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, आज तक तुमने जो दुख जो तकलीफें मुझे दी हैं, उसे मैं अपना भाग्य समझकर सहन करती रही। लोग कहते हैं तुम दुख और तकलीफें उन्हें देती हो जिनसे प्यार करती हो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो माँ कि आंखों से आंसू की जगह खून निकल आए। तुम्हारे पास तो दुखों का भंडार है, लेकिन मेरा आंचल बहुत छोटा है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी। बहने तो सदियों से अपने भाई को राखी बांधती चली आ रही हैं, फिर सदियों से चलता आ रहा ये भाई बहन का प्यार मेरे हाथों अभिशाप क्यों हो गया? क्या इसलिए कि मैं अभागन हूं? नहीं माँ, मेरे अभागेपन की सजा मेरे भाई को मत दो। अगर आज उसे कुछ हो गया तो कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। राखी का त्योहार तो आएगा, लेकिन भाई की कलाई सुनी ही रहेगी। उसे बचा लो माँ, उसे बचा लो, उसे बचा लो माँ। से अपना दुख दर्द नहीं कह सकते। जो अपनी औलाद का चेहरा देखना पाप समझता हो, क्या वो उसका दुख दर्द सुनना अपना फर्ज समझेगा? सूरज, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस अभागन से तेरा विश्वास नहीं उठा? विश्वास वो तो तुम्हें करना है माँ, अटल विश्वास कभी डिगा नहीं करता। मेरी बहन अभागन नहीं भाग्यवान है। ये देखो हाथ पे उसने राखी बांधी, वो हाथ अभी भी सलामत है। हाथ तो वो कटा जिस पे उसने राखी नहीं बांधी। काश दोनों हाथों पे राखी बांधने का रिवाज होता मां। हेलो 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 सूरज। दीदी। सूरज कैसे हो तुम? भैया क्या हुआ था तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जिस भाई की तुम्हारी जैसी बहन हो, भला उसे कुछ हो सकता है? तुम मेरा दिल रखने के लिए
झूठ तो नहीं बोल रहे ना भैया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे झूठ तो दिल दुखाने के लिए बोला जाता है ना, दिल रखने के लिए नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये भाई कभी अपने दीदी का दिल दुखा सकता है? सूरज, दीदी नहीं नहीं, मेरे पास मत आना भैया, मेरे पास मत आना, मैं अभागन हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भैया, नहीं नहीं, माँ, इधर आ दीदी, माँ। सूरज मर गया तेरा सूरज, हाँ मर गया तेरा सूरज माँ। अरे बचपन से लेके आज तक तुमने इस पर इतने जुल्म ढाए, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि आज तुमने उसकी ये हालत कर दी। और क्या करती, ये गायें तेरी जान लेने की, मार डालेगी तुझे, ये मेरी गोद उजाड़ने पर तुली हुई है। मारने पर तो तू तुली है तू, तुमने कभी यशोदा की तरह इसे चाह नहीं, कहकर की तरह सिर्फ नफरत की है नफरत। अरे माँ, जंगली जानवर बच्चों को मुंह से उठाकर भी अपने तौर पर लगने नहीं देता। हाँ हाँ, नहीं लगने देते, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे को, पराए को नहीं, अपने और पराए का भेद जानवर भी रखते हैं, समझा? इसीलिए तो समाज सोतेली माँ से डरता है। मगर याद रख, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया तो मैं मारपीट के रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। आने दे तेरे पिताजी को, फिर तुझसे बात करूंगी। सूरज बर्बाद कर दूंगा। सूरज ये तू क्या बोल रहा है? बोलूंगा दीदी, बोलूंगा। सूरज शर्म नहीं आती तुझे? जिस माँ ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, उस माँ से ऐसी बातें? अरे नालायक, माँ क्या होती है ये तू उनसे पूछ जिनकी कोई माँ नहीं है। नहीं दीदी, उन्हें हक है हमें मारने का, हमें सजा देने का, लेकिन हमें उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। वो हमारी माँ है, माँ। सॉरी दीदी, मुझे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती, देखी जाती। क्या हुआ भैया? भैया, भैया नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भैया, ये क्या हो गया भैया, भैया ये क्या हो गया भैया, भैया भैया ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सेठ साहब, बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहाँ हैं सेठ साहब? रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब।
और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे सेठ धनराज को? हाँ सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है। साइन कर दीजिए, कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाथ से धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर। ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लाश मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाथ से धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है। फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूं जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक ना सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी, एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हां दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो
सेठ धनराज। मालिक मालिक, मिल में आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट, आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के दो शब्द बोलने के लिए आपके होंठ नहीं हिले। सूरज, तुम मत बोलो माँ। टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से, अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौकट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। मिस्टर धनराज, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन धंधे को जज्बात के साथ नहीं तोला जा सकता। पैसों का काम पैसों से चलता है, हमें हमारा पैसा चाहिए, वरना हम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी इसकी नौबत नहीं आएगी। आप लोगों ने कर्जा सेठ धनराज को दिया है, किसी भिखारी को नहीं। आज सेठ धनराज नहीं तो क्या हुआ, उनका बेटा अभी भी जिंदा है। मुनीम जी। जी मालिक। ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स, ये तमाम जायदाद को बेचकर इन सब के पाइप पाई चुका दीजिएगा। ये तो क्या कह रहा है सूरज बेटे। हाँ मां, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। चलो चलो मां। सूरज बेटे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। नहीं मां, रो मत मां, दौलत नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। चलो मां। लेकिन कहां जाएंगे बेटे? कहीं भी, जहां तकदीर ले जाए। अरे तकदीर का क्या है, वो तो तुम्हें इलाहाबाद भी ले जा सकती है, तो क्या तुम मुझे छोड़कर इलाहाबाद चले जाओगे? हाँ? किरण तुम? हाँ मैं, तुमने तो अपना घर छोड़ दिया लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा। माँ जी पाई लगा। अरे जीती रहो बेटी। बेटी? माँ जी मैं आपकी होने वाली बहू हूँ, एक अच्छी बहू के सारे गुण हैं मुझमें, हंसना रोना खाना पीना सब कुछ आता है मुझे। माँ जी मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे घर रहे तो। चलिए ना माँ जी। नहीं किरण, हम अपनी तकलीफों का बोझ तुम पर नहीं डालेंगे। बोझ? अरे मैं तुम्हें कौन सा घर जवाई बनने के लिए कह रही हूँ, तुम कहीं ना कहीं तो रहोगे ना मेरा घर सही, और रही बोझ ना बनने की बात तो तुम मुझे हर महीने किराया देते रहना, क्यों माँ जी? सूरज बेटे, किरण ठीक ही तो कह रही है। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ माँ जी, एक आपका ही बेटा है जो मेरी कदर नहीं करता। चलो चलिए माँ जी। चल माँ। माँ तू नानी बनने वाली है, माँ तू नानी बनने वाली है, और मैं मामा। हाँ माँ देखो दीदी के घर से चिट्ठी आई है, वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहाँ नहीं बुलाओगी? सूरज, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ, बेटे की पहली संतान तो हमेशा उसके मैके में होती है ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे। माँ कर दे, हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, खुद से तो अपना बोझ उठाए नहीं उठता, तो उसका बोझ कहां से उठाएगा? आंखों पर पलके बोझ नहीं हुआ करती मां, और लक्ष्मी वो तो मेरी बहन है। सूरज सूरज, तुम जाकर लक्ष्मी दीदी को ले आओ, उनके डिलीवरी का जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं किरण, लक्ष्मी मेरी बहन है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा। कहां से करेगा, क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा मां, मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है मां, कर्जदार है। मां
विकी, विकी, ए, ए, मुझे पैसे दे विकी, आज आज मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है विकी, प्लीज देख, देख, देख मैंने मैंने अपनी मेहनत से कमाई विकी, मुझे मुझे दे दे प्लीज, ले ले ना, प्लीज ले, देख विकी मुझे मेरे पैसे दे दे विकी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बस। हा? क्या बोला, हाथ जोड़ेगा तू? अरे तू भूल गया क्या, तू हाथ कैसे जोड़ेगा, तेरे पास तो हाथ नहीं है। हाँ हाथ नहीं है तेरे पास, भूल गया क्या, तू तो सिर्फ गिड़ गिड़ा सकता है, चल गिड़ गिड़ा ना, चीख चीख जोर से चीख, हाँ चीख ना, कहो विकी ऐसा मत कहो, देखो इन पैसों से मुझे अपनी बहन के लिए चुनरी खरीदनी है। हाँ हाँ चुनरी, चुनरी खरीदेगा, हाँ सुना, वाह वाह चुनरी खरीदेगा, प्लीज देखिए सुन सुन सुन, एक काम करते हैं, चुनरी के लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक बात बता, चुनरी उतरवाने के लिए तू अपनी बहन को मेरे पास ले आएगा ना? आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूं ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है, अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहां पर आना इसकी मर्जी नहीं मजबूरी थी, जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे। एक्सक्यूज मी जी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ, क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही।
जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही। और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा हम राज किए, और आज आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी मुझे माफ कर दे, बेटी माँ मुझे माफ कर दे। माँ तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ माँ लक्ष्मी मेरी बेटी, बेटी तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक माँ होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी। हेलो हेलो सूरज बेटा। माँ तुम? दीदी कैसी है? लक्ष्मी का बच्चा गिर गया। क्या? रो रो के तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ला बेटी सूरज बेटी। भैया राम राम सत्य है, सत्य है। सुना है मैके से कोई नहीं आया? खबर तो भेजी थी मगर अभी तक वहां से कोई नहीं आया। चंदन की लकड़ियां ले आइए। नहीं लकड़ियां ऐसे मत रखो, मेरी मेरी बहन को लग जाएगा, मेरी बहन को लग जाएगा। मेरी बहन को लग जाएगा, मेरी बहन को लग जाएगा।
के जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से, उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। भैया कुछ चंदन की लकड़ियां दोगे? राम जी, धनराज धनराज क्या हो गया धनराज? क्या हाल बनाया? एक्सीडेंट में मैं तो बच गया लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी और घर जाने के बजाय भटकता हुआ यहाँ शमशान में आ गया और यहाँ चिताएं चुन चुन कर अपने आप को जिंदा रखा। लेकिन तू यहाँ कैसे? तकदीर भी क्या रंग दिखाती है धनराज। जिस बेटी के बचपन को तूने अपनी गोद और लकड़ी के पल्ले को तरसाया वही तेरी बेटी आज तेरे हाथों चुनी हुई चिता पर सोई है। नहीं राम जी। भाई मायके की चुनरी तो आई नहीं, चलो दाह संस्कार करें। नहीं, इसका बाप अभी जिंदा है। चीते जी कभी सामने नहीं आए, बरकर भी मुंह ढक लिया। कसम मैंने ली और निभाई तूने। आंखें खोल बेटी, आंखें खोल, देख तेरा ये बाप हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, बस एक बार, बस एक बार बाबूजी क्या कर मेरे गाले लग जा बेटी, बस एक बार। विदाई के वक्त जब तूने मुझसे आशीर्वाद मांगा था मेरी कंधे से भी देख, मैं भी ये नहीं कह सकता कि बेटी जीती रहे। अभागा तू नहीं बेटी, अभागा तो मैं हूं। मैं जो प्यार के दो बोल भी नहीं बोल सका। तूने मुझसे ये कहा था अगर मेरे जीते जी मेरी मौत हो जाए तो मैं मायके की चुनरी तुझे उड़ा दूं, अपने बाप की बदनसीबी भी देख। मेरे पास सितारों से चढ़ी हुई चुनरी नहीं है। फटा पुराना गोछा जरूर है, इसे मायके की चुनरी समझकर कबूल कर ले मेरी बच्ची, कबूल कर ले मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। Thank you.
कर दो विदा आज तो प्यार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से।